और आइए देख लेते हैं सबसे पहले आज न्यूज इन फोकस कौन कौन सी खबरें रहेंगी। सबसे पहले आज हम कवर स्टोरी के तहत करेंगे चर्चा, बेचोगे घर तो लगेगा कर। जी हाँ, इंडेक्सेशन बेनिफिट्स हटाए जाने के बाद अब घर बेचने वाले टेंशन में हैं। ये कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी से अब कमाई उतनी नहीं हो पाएगी, उतना अट्रैक्टिव नहीं रह गया। तो क्या वाकई में ये नए निवेशकों के लिए और पुराने निवेशक, और जो खास तौर से वो निवेशक जो अब अपना घर एक बार निवेश करने के बाद बेचना चाहते थे, क्या वो पूरी तरह से निराश हो गए? इसका मतलब क्या है? क्या वाकई में अब प्रॉपर्टी में निवेश आकर्षक नहीं रह जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं, इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे आगे। इसके अलावा आज हम बात करेंगे एक और बड़े ऐलान की, जो एक तरह से थीम था इस बार बजट का, और वो था स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट। इस बजट में रोजगार के मौके कितने आएंगे अपार, ये आज आपको विश्लेषण करके बताएंगे। इसके अलावा बाजार में ट्रेडिंग पर सेबी की जो नई स्टडी आई है, और उससे जो यंगस्तान ट्रेडर्स है, यंगस्टर्स जो हैं ट्रेडर्स, वो क्या वाकई में इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़्यादातर नुकसान खा रहे हैं? ये स्टडी कम से कम यही कह रही है। इसका पूरा विश्लेषण करके आपको बताएंगे आगे। और रोज़ की तरह जी बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल सिंह भी बाजार पर आपको स्ट्रैटेजी बना के देंगे, मौजूदा स्थिति का आंकलन भी करेंगे, और आगे की ट्रैजेक्टरी प्रोजेक्शंस क्या हैं और निवेश किस तरह से करना है, ये पूरी सलाह देंगे आपको अनिल सिंह भी। ये न्यूज़ इन फोकस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज़ में वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक रहीं सुर्खियों में। बजट को लेकर विपक्षी सांसदों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी सांसद शामिल हुए। खड़गे का कहना था कि यह अन्याय से भरा बजट है और बजट में कई राज्यों से न्याय नहीं हुआ। बजट को भेदभावपूर्ण बताते हुए विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। वहीं लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय बजट के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो गया है, जिसके बाद अब पेपर लीक केस में शामिल आरोपियों पर नॉन बेलेबल धाराएं लगाई जाएंगी। इतना ही नहीं, 3 से 10 साल तक की सजा और 10 लाख से 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। ये कानून बिहार सरकार की ओर से ली जाने वाली सारी परीक्षाओं पर लागू होगा। सदन में बिहार सरकार ने एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा करते हुए कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया गया। नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई है, केंद्र सरकार ने उन गड़बड़ियों को रोकने के लिए नियम बनाया जो पूरे देश में लागू हो गया है, लेकिन विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। शंभू सीमा पर किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिष्ठित लोगों की एक समिति बनाने का प्रस्ताव दिया है। ये समिति किसानों और हितधारकों से मिलकर उनकी बात सुनेगी और ऐसा व्यवहारिक समाधान खोजेगी जो निष्पक्ष, न्याय संगत और सभी के हित में हो। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर को 24 जुलाई तक खोलने का आदेश दिया था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। वहीं किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में देश भर में 12 किसान नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिला। किसान नेताओं से मुलाकात के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कानूनी गारंटी के साथ एमएसपी का जिक्र किया है, इसे लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बैठक में तय किया गया है कि इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं से बात की जाएगी और सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि देश के किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। विवादित आईएएस पूजा खेडकर का पिछले 5 दिन से कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पूजा अब तक मसूरी के यूपीएससी ट्रेनिंग सेंटर नहीं पहुंची है। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के बाद से वो लापता बताई जा रही है। पूजा को मंगलवार तक मसूरी के यूपीएससी ट्रेनिंग सेंटर में रिपोर्ट करने का वक्त दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक पूजा खेडकर एकेडमी में वापस नहीं लौटी और उन्होंने कोई आधिकारिक पत्र भी नहीं दिया। इधर पुणे पुलिस ने पूजा खेडकर से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्हें भी पूजा का कोई सुराग नहीं मिल पाया। बीएसएफ सीआईएसएफ में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने के फैसले को मंजूरी मिल गई है। 2 हफ्ते पहले आए इस फैसले की आज आधिकारिक घोषणा हो गई।
बताया जा रहा है कि अग्निवीर अपनी 4 साल की सेवा के बाद भी बीएसएफ में ज्वाइन कर पाएंगे। उन्हें आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अग्निपथ योजना पिछले साल 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना में भर्ती करने के लिए शुरू की गई थी। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 4 साल के अंत में 25% अग्निवीरों को नियमित आधार पर सेवाओं में शामिल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में रात भर चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। हालांकि इस मुठभेड़ में एक जवान को भी शहीद होने की खबर है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा के कोवतलोलाब इलाके में आतंकवादी और सैनिकों के बीच मुठभेड़ हुई थी। पुलिस और सेना की एक संयुक्त टीम को इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों के मौजूदगी की सूचना मिली। इसके बाद लोलाब में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया। फिलहाल इलाके में अभी ऑपरेशंस जारी हैं और दूसरे आतंकियों की तलाश चल रही है।